तो गाइज ये देखो आज मेरे पास कौन सी गाड़ी है, टाटा हैरियर। इसका टॉप मॉडल है, वाइट कलर का है, डुअल कलर में है, ब्लैक सनरूफ है और जो बॉडी कलर है वो वाइट है। तो अभी मैं इसको चलाने जा रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। तो चलो अभी इसको चला के मैं दिखाता हूँ गाड़ी को कैसा लगता है और कैसा रिस्पॉन्स है हैरियर का। तो चलो ब्लैक ही लेना पड़ेगा भाई, टाटा हैरियर चला रहा हूँ यार। एक इसका अलग लेवल का मज़ा आ रहा है। डीजल इंजन 167 BHP 350 Nm का टॉर्क है भाई। तो गाड़ी में जो पावर जनरेट हो रहा है वो अलग मज़ा आ रहा है। क्या रहते, बहुत अच्छा है गाड़ी है, बहुत अच्छा है। अभी तक तो भाई भगाया भी नहीं गाड़ी, बस सिटी में थोड़ा सा बस खींचा हूँ तो उसमें ही इतना स्मूथनेस, और डीजल इंजन है टाटा का वो भी फील नहीं हो रहा इतना, मतलब स्मूथली चल रहा है। और फीचर्स तो भाई साहब इसका अलग है, बहुत ही। फीचर्स के बारे में अभी मैं रुक के कहीं पे बता दूंगा, भैया बताएंगे। आपका नाम क्या है? रितेश नाम है इनका। आपका डीलरशिप का क्या नाम है? राइजिंग ऑटो व्हील। राइजिंग ऑटो व्हील इसका मोड में अभी न्यू ओपन हुआ, कितना टाइम हो गया? लगभग 2 महीने सर। 2 महीने हुआ है, तो 2 महीने हुआ है गाइज, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक बार कॉल किया भाई साहब को और तुरंत आ गए टेस्ट ड्राइव गाड़ी लेके, तो ऐसी कस्टमर को रिस्पॉन्स ऐसी चाहिए होता है। तो चलो गाड़ी मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसा है क्या है। टाटा हैरियर का ये टॉप मॉडल है, 27 लाख। अभी गाड़ी मैंने डाला स्पोर्ट्स मोड पे, आप देखते हैं थोड़ा इसको भगा के गाड़ी भागता कैसा है, रिस्पांस कैसा है, इंजन का थ्रॉटल रिस्पांस कैसा है वो पता चलेगा। अभी आप देखो वीडियो, आवाज सुनना। स्टेबल है गाड़ी काफी ज्यादा, अभी 110 का स्पीड पे चल रहा हूँ। रोड वैसा है नहीं इसीलिए ज्यादा स्पीड चला नहीं सकता इसको, लेकिन इतना से मैं फील आ गया कि गाड़ी में क्या जान है। और फील स्टेबल है गाड़ी एकदम, मतलब आपको थोड़ा सा भी ऐसे बॉडी रोलिंग वगैरह कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है अभी तक। तो और ये देखो गाइस इसका स्टीयरिंग भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी भरा भरा सा फील हो रहा है और खाली खाली सा फील नहीं है, डीकट नहीं है, बट ठीक है इतना मैनेज है, क्योंकि जब गाड़ी में आपको पावर मिलेगा तो डीकट विकेट सब भूल जाओगे। ये देख रहे हो आवाज, सुनो गाइस आवाज, लग रहा है सुपर कार वाला फील। अब ऋतिक गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहा है, देखते हैं अब इसको कैसा फील होता है। मेरे को चला के तो बहुत ही मजा आया गाड़ी चलाने में। अरे राहुल बन गया है तो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव चल रहा है बस। ये देखो डर नहीं ना लग रहा है सीट बेल्ट गाइस, हाँ टाटा की गाड़ी में सेफ्टी ज्यादा है, 5-star रेटिंग है एनकैप, तो ये बहुत ही अच्छा चीज लगता है कि टाटा की गाड़ी में सेफ्टी। अपना इंडियन ब्रांड है, लोकल वोकल वाला है, और अभी एंड्रॉइड ऑटो। डिस्प्ले इसका कितना, 10 इंच का है ना? कलर दाब के बटन दबा लो, ये वाला थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है क्लच इसका थोड़ा सा। देखिए क्लच में क्या है कि और पूरा बने लीजिएगा क्लच ना, पूरा पूरा आपको करना होगा। अच्छा जल्दी आने वाला है यही गाड़ी। क्या रहते स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में क्या डालना है, खाली सस्पेंशन भी सही है। उन्होंने शीशा खोल दिया है, एसी वगैरह बंद कर दिया, हम लोग नॉइस चेक करना चाह रहे हैं गाड़ी में कि इंजन का आवाज कैसा है। क्या रहते कहाँ
आँच खोल के चलने पे थोड़ा सा आपको झटका महसूस होगा हवा का प्रेशर की वजह से। हाँ हाँ वो तो, लेकिन खोल दीजिए भैया। हाँ ये गाइस देखो, हम लोग पहले अभी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने, वहीं पे अपने जगह पे आ चुका हूँ और गाड़ी घुमा के देख रहे हैं। रोको, तो इसका जो गेट है उसमें भी काफी अच्छा वेट है, ये देख सकते हो। आवाज आप सुनो, ये मतलब फील है इस पे बढ़िया। एक बार इसका ये खोलिएगा क्या केबिन, ये बोनेट, बोनेट खोलिए, देखो भरा हुआ है पूरा एकदम। तो ये देखो इसका 1.2 लीटर का इंजन है ये, और पावर तो जैसे मैंने आपको बता दिया था 167 bhp का है, 350 nm का टॉर्क है, फोर सिलेंडर इंजन है, और देखो पूरा भरा हुआ है, कहीं से भी स्पेस आपको दिख नहीं रहा है, खाली खाली सा। अच्छा वुडन फिनिशिंग में दिया हो गया है, तो ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है गाड़ी देखने में। गाड़ी चलाने के बाद तो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो पहले चला चुके थे, इसका मन था स्कॉर्पियो लेने का, लेकिन मैंने इसको कल दिखाया टाटा का गाड़ी, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जमशेदपुर डिलीवरी वीडियो में गया था, तो उस पर इसको दिखाया मैंने, पहले बिठाया सफारी में, फिर बिठाया हैरियर में, तो हैरियर मजा आ रहा, झुकाव हो गया ना हैरियर की तरफ। और ये है भाई, अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम रितेश हुआ। तो किसी को गाड़ी लेना होगा तो इनसे आप जरूर कांटेक्ट करें, कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 7654641931। तो ये बहुत ही अच्छे से, इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छा है, और भैया भी आए, आप अपना नाम बता दीजिए। कुमार हुआ मेरा। अच्छा आप यहीं से रांची से ही हैं, तो ये भैया लेके आए हैं गाड़ी टेस्ट ड्राइव देने के लिए, और ये साथ में आए हैं, तो इनका भी बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, तो गाड़ी के लिए आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप रांची से देख रहे हो या ऑल ओवर झारखंड में भी आप कहीं से देख रहे हो, यार इंडिया से ही देख रहे हो, कहीं भी गाड़ी आप दे दोगे क्या जी, कहीं भी आप गाड़ी हम लोग डिलीवर लेकिन वही है ना कि गाड़ी तो हर जगह मिल ही जाता है, लेकिन जिसको रांची से अगर आपको लेना होगा तो नया डीलरशिप ओपन हुआ है राइजिंग ऑटो व्हील्स के नाम से, राइजिंग ऑटो व्हील के नाम से 2 मंथ हो रहा है अभी ओपन हुए, अच्छा 2 ही महीना हुआ है, 2 मंथ हो रहा है, और हम लोग 48 गाड़ी लास्ट मंथ बिलिंग किए थे। अच्छा 48 गाड़ी भी निकाल भी दिए, निकाल दिया। देखो हैरियर का टेस्ट ड्राइव लेने आया था, तो हैरियर के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ कि आप लोग गाड़ी तो जानते ही हो कि बहुत ही जाबड़ गाड़ी है, अपने लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो तगड़ा गाड़ी है, 2 लीटर का इंजन डीजल इंजन के साथ आता है, और ये टॉप मॉडल है, तो चलाने में तो बहुत ही मज़ा आया, थोड़ा बहुत अभी और चला के देखूँगा, और ये ऐसे रास्ते में उबड़ खबड़ वाले रास्ते में भी चला के देखा तो अच्छा स्टेबिलिटी है, तो चलो। और अच्छा R17 है 235 60 बाय R17। अच्छा टाटा हैरियर में मेरे को एक नया फीचर्स बहुत ही पसंद आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखो मैं अभी गेट ओपन कर रहा हूँ तो देखो सीट अपने आप डाउन हो जा रहा है, मतलब इसको बोलते हैं वेलकम फीचर्स, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में कि अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद आप सीट में बैठो और फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और इसका मैं एक चीज मेन चीज आपको दिखाना भूल गया, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक नहीं है वो, नहीं शीशा का हो गया जिसको बोलते हैं पैनोरामिक सनरूफ, तो ये चीज मैं अपने गाड़ी में मिस करता हूँ सेल्टोस में कि पैनोरामिक सनरूफ क्यों नहीं है, छोटा सा सनरूफ है, आज तक मैं 2-3 बार भी निकला हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज को लेके मिसिंग करता हूँ, बाकी तो मजा आता है गाड़ी चलाने में। बाकी चलो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ आप देख, हैरियर में एक चीज और नया चीज पता चला है कि जैसे आप जनरली देखते हो गाड़ी में लेफ्ट साइड में टैंक रहता है, लेकिन हैरियर में आपका राइट साइड में ही ड्राइवर साइड में टैंक दिया हुआ, ये देख सकते हो। और क्या चीज एक बता रहे थे कि टैंक कैसे, वो ढक्कन कैसे खुलेगा, ओपनिंग है, आप चाबी निकालना नहीं है, नोब नहीं दिया हुआ है, हाँ, उसको पुश कीजिए खुल जाएगा, गाड़ी लेकिन बंद होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, इंजन बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, गाड़ी बंद होना चाहिए तब उसका ढक्कन खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, थक जाओगे ठोकते ठोकते, लेकिन फिर भी क्या रहते है? ये नया चीज पता चल रहा है, थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाओगे तो फिर मजा आएगा। बूट स्पेस इसका 435 लीटर है ना, तो गाइज ये है इसका बूट स्पेस, ये देख सकते हो आप काफी जगह है 435 लीटर। और एक बार रियर में आके देख लेते हैं लग्जूरियस का क्या फीलिंग, ओह बहुत ज्यादा जगह है यार रियर से, इसमें देखो हैंडरेस्ट भी दिया हुआ है कप होल्डर के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा है, काफी प्रीमियम लग रहा है, और ये देखो पैनोरामिक सनरूफ। गाड़ी ऑल ओवर बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा चलाने में, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, हम लोग अभी इस गाड़ी को बुक कराने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, मतलब बुक कराएंगे गाड़ी बहुत जल्द, ये गाड़ी हम लोग के गैरेज में होगा, हम लोग ग्रुप के गैरेज में,
तो चलो इसी नोट पे वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टाटा, साइनिंग ऑफ रांची. I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast, I wanna feel like